करीब टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अनीश चौहान। आज हम पंचायतों के दौरे पर निकले हैं। जिस तरह से इससे पहले भी हमने कई पंचायतों को कवर किया है, वहां पर लोगों से उनकी समस्याएं जानी है और वहां पर किस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी हासिल की है। इसी के तहत आज हम है छात्र पंचायत में, यहां पर भी हम लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याएँ जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं, पंचायतों में किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं और इन लोगों की क्या समस्याएँ हैं उसको लेकर हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ है छात्र पंचायत के कुछ सदस्य। जी सबसे पहले स्वागत है आपका दरीब टाइम्स में, अपना नाम बताइए। मेरा नाम उमा देवी है और मैं वार्ड नंबर 1 से हूँ। और आपकी पंचायत में किस तरह से काम हो रहे हैं? मतलब अभी तो नहीं बनी है पंचायत, पर जो पहले के थे, मतलब यहाँ के मेंबर प्रधान जो भी थे, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। अभी नए बने हैं और उनको मतलब अभी टाइम लग रहा है नया कार्य करने के लिए। आपको क्या लगता है आपकी पंचायत में क्या क्या समस्याएं हैं जो दूर होनी चाहिए? समस्या तो सबसे बड़ी यहाँ यही है कि भाई यहाँ सबसे ज़्यादा तो कच्चे मकान हैं, सबको घर दिए जाए और सभी को सुविधा मिले पंचायत की तरफ से। तो जो कच्चे मकान पर जो एक समस्या थी, तो आपने लोग पंचायत में उठाया है इस समस्या को? हाँ जी उठाया है, पर मतलब वार्ड है बहुत ज़्यादा पंचायत में और कुछ एक वार्डों को ही मिली, यहाँ कुछ लोग हैं जो रह गए हैं अभी घर से। अच्छा, उसके अलावा पंचायत में और क्या विकास कार्यों की कमी है जो आपको लगता है रास्ते सड़कों को लेकर? जी यहाँ जो सड़क है जो नलखा से यहाँ आती है साई वाली साइड, वो बहुत मतलब चौड़ाई नहीं है उसकी, वो बहुत यहाँ जाम वगैरह लगता है और सड़क तो बड़खाबड़ है और सुविधा होनी चाहिए मतलब। जी धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं गांव के कुछ और लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी सर स्वागत है आपका दरीब टाइम्स में। सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम उत्तम चंद्र है जी, मैं वार्ड नंबर 9 से वार्ड मेंबर हूँ। जी सर, तो आपके वार्ड में किस तरह की समस्याएँ हैं जो लोगों को पेश आ रही हैं? जैसे स्कूल में आजकल कोरोना काल चला हुआ है ना, उसमें सफाई अभियान करना चाहिए, बच्चों की मतलब आने जाने की सुविधा अच्छी होनी चाहिए रास्ते की। जो ये पंचायत है, नई गठित पंचायत है, इसमें क्या लगता है आपको किस तरह से फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि ये पंचायत एक ऊंचाइयों पर जाए? लोगों की समस्या सुननी चाहिए और अच्छे काम होने चाहिए। स्वच्छ पंचायत बनाने को लेकर भी जो है कार्य किया जा रहा है, तो आपकी पंचायत में किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं पंचायत को स्वच्छ बनाने के लिए? घर घर में टॉयलेट होने चाहिए और शौचालय होने चाहिए। किस तरह की मांग है जो आपने अभी तक प्रधानों के समक्ष रखी है? गांव के रास्ते पक्के होने चाहिए और सड़कों की सुविधा होनी चाहिए और शमशान घाट है उनकी सुविधा होनी चाहिए। जी शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ छात्र पंचायत के कुछ और ग्रामीण जो है जुड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इनके पंचायत में किस तरह से सुविधाएँ होनी चाहिए और किस तरह से अभी कार्य शुरू हो रहे हैं इनकी पंचायत में। जी सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है दरीब टाइम्स में, अपना नाम बताइए। धन्यवाद जी, मेरा नाम प्रेम सिंह है जी। मैं ग्राम पंचायत छात्र का निवासी हूँ। अभी जो हमारी नई पंचायत बनी है, इस नई पंचायत से हमें बहुत सारी आशाएं हैं। हमारी पंचायत जो है वो नए नए प्रपोजल लेके गरीबों के लिए शौचालय, गौशालाएं और पशुओं के लिए खुरल आदि का निर्माण कर रही है। जो भी यहाँ पर मुद्दे उठाए जा रहे हैं ग्रामीणों के द्वारा जन आम सभा में, उन सभी मुद्दों को हमारे प्रधान जो हैं, उप प्रधान और हमारे वार्ड सदस्या बढ़ चढ़ कर जो है वो उन्हें आगे अधिकारियों तक पहुँचा रही है और हमारी छात्र पंचायत जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की ओर बढ़ रही है। जी सर अभी तक आपको क्या लगता है कि पंचायत में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों को पेश आ रही हैं? अभी जैसे लॉकडाउन के कारण जो है वो स्कूल बंद थे, तो उस दौरान हमने देखा कि बच्चे सारे मोबाइल फ़ोन से पढ़ाई की ओर देख रहे थे। तो यदि इस गांव में, इस पंचायत में एक लाइब्रेरी हो और लाइब्रेरी होने से वहां पर कोई कर्मचारी सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता, तो जो विद्यार्थी लॉकडाउन के कारण जो है वो स्कूलों में ना जा सके, तो लाइब्रेरी से बहुत सारी बुक्स लेके वो अपना ध्यान कर सकते थे। जी इसके अलावा और क्या है जो पंचायत में समस्याएं हैं अभी तक जो काम है वो नहीं हो पाए हैं और होने चाहिए, क्या लगता है आपको ऐसे कौन से काम हैं? अभी स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो होनी बाकी हैं, कुछ एक घर ऐसे हैं जहां तक रास्ते और सड़कों को पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारी प्रधान जी से और हिमाचल प्रदेश सरकार से ये आशा है कि वो हर घर के लिए सारी सड़कों की व्यवस्था करेगी। जी
सर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे छात्र पंचायत के कुछ सदस्य ग्रामीण जिन्होंने हमसे बातचीत की और पंचायतों के बारे में बताया कि किस तरह से यहाँ इनकी पंचायत में सुविधा होनी चाहिए, इनकी क्या क्या मांगे हैं इसके बारे में इन्होंने हमें जानकारी दी। जी सर, आपकी पंचायत में किस तरह से कार्य हो रहे हैं? हमारी पंचायत में पहले भी कार्य होते रहे और आगे भी कार्य हो रहे हैं। कुछ हमने प्रस्ताव डाले हैं काम के रिगार्डिंग, तो वो उस 2 तारीख को जनरल हाउस हुआ था, उसमें हमने उन कामों को जो अप्रूवल करवाया है। जी, क्या क्या कार्य है जो अप्रूव करवाए गए हैं? जैसे तो समस्या तो बहुत रास्ते और रोड की समस्या ज़्यादा है। जैसे हमारा रोड है छात्र रूट कांटे तक, इसमें जो ज़्यादा पब्लिक की ज़्यादा आवाजाही रहती है, तो इस रोड का भी हमने प्रपोजल डाला है। एक दूसरा है छात्र से रोड तक लिंक है, उसका भी हमने प्रपोजल डाला है। एक रोड हमारा बहुत गंभीर समस्या है जो नाला होके जो काटली खड्डा तक मिलता है, उसमें जो ज़्यादा समस्या रहती है, उसका भी हमने प्रपोजल डाला है। जी सर, इसके अलावा पंचायत में जो लोग है, जैसे होते आवास योजना होती है और पेंशन के हकदार जो होते हैं उनको पेंशन, किस तरह से इसके लिए कार्य किया जा रहा है? पेंशन के लिए हमने हर बार जो पंच है हमारे उनको बताया जाता है कि आप अपने वार्ड में देखिए कौन कौन जो जिनको पेंशन नहीं लगी है, उनके आप फॉर्म हमारे पास दीजिए, नहीं तो हमें बोल दीजिए, हम जाते हैं फिर हम खुद कन्फर्म करते हैं, मीटिंग करते हैं, वहाँ जाके हम फिर खुद जो उनके फॉर्म जो है अटेम्प्ट करके जो उनको फॉलो करते हैं। और आवास योजना के तहत किस तरह से आवंटित किए जा रहे हैं? क्यों कई बार कई पंचायतों में ये शिकायतें आप देखने को मिलती है कि जो पात्र लोग हैं उनको तो सुविधा नहीं मिल पाती है, लेकिन कुछ लोगों को ये सुविधा दी जाती है। चलो जो पहले होता होगा तो हमें नहीं पता नहीं, अब नेक्स्ट टाइम जो हमने जो प्रपोजल रखा है, जो पात्रता रखते हैं उनको हम सबसे पहले जो है उनको ही जो आवास योजना के तहत उनको घर दिलाने की कोशिश करेंगे, पूरी पूरी जो भी लोग हमारे से वो हम करेंगे। जी शुक्रिया सर, थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं लोकनीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर। बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।